व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है 28th of October, काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में। तो शानदार तरीके से टकटकी लगाकर वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि काफी कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिले, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि काफी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को नोट डाउन करनी होती है। और अगर आप लोग उसको नोट डाउन भी करोगे तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद भी रख पाओगे। डिस्कशन जो रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे एडिटोरियल और दूसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग न्यूज एनालिसिस। इसी के साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी यहां पर मिलेगा, और बीच बीच में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर भी आप लोगों को देने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोगों में बेसिकली पढ़ा चुका हूं, और जो नए होंगे क्वेश्चन उनके आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिल्कुल एक तरीके से नहीं कहते, कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा माइंड में रखकर आप लोगों को बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करना है। और जब वीडियो खत्म हो जाए आप लोगों को लगे यार इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, और यहीं से ही आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में भी जा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ या फिर इसी के साथ में जो एसे या फिर इसी के साथ में जो एथिक्स की केस स्टडी देता हूँ उनको खुद भी अटेम्प्ट करो, और दूसरे का आंसर जो है उसको एनालिसिस भी कर लिया करो, तो काफी कुछ पॉइंट आप लोगों को नए जानने को मिल जाते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे आज के एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में, जो कि जी एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा बोली गई बड़ी ही प्यारी सी बात। बोला गया, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट मैसेज। ठीक है, रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस। तो यानी कि अगर लाइफ में आप लोग जो देखिए, यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को दोनों ही तरीके की स्टोरीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को बेसिकली हर तरीके की हर डायमेंशन का पता चलेगा, और चाणक्य साहब की कोट इंप्लीमेंट आप लोग कर सकते हैं कि दूसरों की गलती से सीखिए। तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी यही बोला गया कि अगर फेलियर की स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे तो सामने वाले ने क्या गलतियां की है उनसे आप लोग सीख पाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कि किसी इंसान ने बल्ब बनाया। ठीक है, बताइए किसी इंसान ने बल्ब बनाया, उस इंसान को बोला जाता है कि बल्ब बनाने में उसने हजारों तरीके इंप्लीमेंट किए, पर लेकिन वो बल्ब बनाने में अनसक्सेसफुल रहा और बाद में जाकर बल्ब बना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी फिर से उसी पैटर्न पर चलें, हजारों तरीके की गलतियां आप लोग भी करें और फिर से आप लोग भी वही बल्ब बनाएं जो उन्होंने बनाया था। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को दूसरी गलती सीखना है। अब क्या करना है, अब आगे आप लोगों को ट्यूबलाइट बनानी है, आप लोगों को एलईडी बनानी है, सीएफएल वगैरह जो वही अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है वो बनाइए। ये थोड़ा ना कि आप भी बल्ब ही बना रहे हो हजारों तरीके बेसिकली टाइम वेस्ट करके। तो इसीलिए बोलते हैं कि दूसरों की गलती से सीखो, और दूसरों की गलती जितनी फास्ट आप लोग सीखते हैं जिंदगी में उतनी ही जल्दी आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बेसिकली यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज जो मुझे लगी, जो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय नागरिक होने के नाते कोई आप लोगों से पूछे कि क्या ऑनलाइन जो शराब है वो घर पर पहुंचाई जानी चाहिए, यानी कि मान लीजिए किसी को शराब पीने का मन है, तो उसको जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट आप लोग जैसे अमेजन पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, ऑनलाइन जाकर आप लोग अपने परचेज कर लेते हैं, क्या इसी तरीके से शराब वगैरह जो है उसको ऑनलाइन बेचना चाहिए? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, यस या फिर नो? ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोग यस लिखते हैं तो क्यों, और नो लिखते हैं क्यों, इसको भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो आप लोग यस या नो में आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को लगता है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आप लोग दे सकते हैं 500 शब्द का, तो उसको भी लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इससे आप लोगों का थॉट प्रोसेसर बढ़ेगा कि अच्छा इन मुद्दों के बारे में से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से इंटरव्यू में कि ऑनलाइन शराब बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे इसमें, तो ये एक तरीके से इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया, थॉट प्रोसेसर वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो क्वेश्चन होते हैं मैं इसलिए पूछता हूं आप लोगों से ताकि इंटरव्यू में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना देखने को मिले। कई सारे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बताते हैं कि सर इस तरीके से जो क्वेश्चन आपने बोले थे वो यहां पर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास में जादू की छड़ी है, इंटरव्यूअर कहां से लाते हैं, वो भी तो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, वहीं से क्वेश्चन निकालते हैं। अच्छा ऐसा इशू चल रहा है इसके बारे में बता दो यार, तो अगर जो भी न्यूज में चल रहा है उस पर एक थॉट प्रोसेसर आप लोग दोगे, थोड़ा बैठ के सोचोगे उस मुद्दे के बारे में, तो आप लोग भी आंसर यहां पर निकाल पाओगे। ठीक है, तो कई सारी अच्छी बातें, कई सारी बुरी बातें, हर एक चीज में सिक्के के दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये न्यूज में किस लिए आए, क्यों इसलिए आ गए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस पहुंचा यहां पर जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, उसमें ये बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला कि जो डिलीवरी की जाएगी यहां पर शराब की घरों के अंदर में, जो इंसान ऑनलाइन खरीदना चाहता है ऑनलाइन खरीद सकता है, यानी कि आप लोगों को ठेकों के आगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जो पियक्कड़ आदमी है ये बोलने की कोशिश की जा रही है। गलत तरीके से मत लेना, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान की यार चॉइस है, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है। अगर कोई शराब पीना पसंद करता है, कोई दूध पीना पसंद करता है,
कोई कुछ भी जिसको सुटेबल लगता है, मतलब अपने हिसाब से कोई नॉनवेज खाना पसंद करता है, कोई एक तरीके से नॉर्मल खाना खाना पसंद करता है, ये इंसान की चॉइस है, तो उसको ये चॉइस मिलनी चाहिए एक लिबरल कंट्री के हिसाब से। पर लेकिन इशू ये नहीं है कि उसकी चॉइस पर जो रोक लगानी है फिर नहीं, इशू यहां पर ये निकल कर आ रहा है कि इससे कैसे डिसाइड करोगे आप कि वो जो शराब कोई खरीद रहा है वो 18 साल से नीचे का बच्चा है या फिर वो शराब खरीदने वाला जो इंसान है वो 18 साल से ऊपर का है। तो ये मेन मुद्दा यहां पर हो गया। तो इनके इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो यहां पर बोला ये जा रहा है कि आधार कार्ड को यूज करके इसका चेक किया जा सकता है, ऐसा यहां पर बेसिकली रेस्पॉन्ड किया गया जो गवर्नमेंट की साइड से। तो यहां पर ये कितने हद तक वैलिड होगा कि हां आधार कार्ड तो ऐसे भी हो सकता है कोई बच्चा बेसिकली मां बाप का आधार कार्ड रखे और वो नंबर डाल के अपना आराम से घर पर सारा मंगाए, बाहर जाने में उन्हें खरीद पाता है, तो इससे हो सकता है कल को चलकर मतलब कि एक तरीके से नहीं, एक कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोग बता सकते हैं कि और ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिले, ठीक है, वो भी इशू आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर लेकिन कई सारे एक्सीडेंट भी इसकी वजह से बच सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बाहर पीते हैं बैठकर, फिर गाड़ी चला कर आते हैं, बाइक चला कर आते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, घर पर बैठकर पिएगा आसानी से तो इंसान का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बुद्धा के बात पर चलना होता है, ठीक है, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या क्या नेगेटिव्स हैं वो सारी चीजें बताकर आप लोगों को एक आंसर अपना डिलीवर करना होता है, वो एक अच्छा आंसर माना जाता है। यानी कि आप लोगों के माइंड में चला नहीं यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, नहीं यार ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछ ले या एथिक्स के अंदर केस स्टडी आप लोग ही पूछ ले या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको सोचो थोड़ा बैठ के। तो ये बेसिकली यहां पर पर्पस था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी न्यूज पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई बार इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। अभी हमारी कंट्री में जो खेल रत्न के लिए 11 जो एथलीट हैं उनका नाम अभी आगे दिया गया है, तो खेल रत्न में जो 11 एथलीट का जो नाम यहां पर दिया गया है, जैसे यहां पर नीरज चोपड़ा हो गया, ठीक है, मतलब सारे जो भी मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे ओलंपिक में जो मेडल जीत कर लाए उनके नाम है, ठीक है। तो लवलीना का भी नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग जैसे इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए तो आप लोग पर्टिकुलर पर्सनैलिटी और किस गेम से वो रिलेटेड है ये थोड़ा सा इसके बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार मैच करने के लिए से स्टेट पीसेस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मैच करने के लिए आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने देखने को मिला ना, कई बार कई सारे अवार्ड के नाम दे देते हैं, उससे रिलेटेड प्लेयर का पूछ लिया रिसेंटली अभी किसको दिया गया, तो वो भी हल्का सा आप लोग होमवर्क कीजिएगा। और बाकी तो बाकी चीजें मैं कवर करा दूंगा। यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये एक ही स्लाइड में इसलिए डाले ताकि अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम चेंज किया गया, तो उसका नाम चेंज किया गया भारत, उसका नाम चेंज किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो अभी रिसेंटली ये चेंज किया गया, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है यहां पर 25 लाख रुपीज दी जाती है जिसको ये अवार्ड देते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको जानते थे, अब यहां पर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो खेल रत्न है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो स्पोर्ट है उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो यहां पर बात करें जो ध्यानचंद जी के नाम पर ये अवार्ड अब दिया जा रहा है यहां पर, तो ये माना जाता है कि 1926 से लेकर 1949 तक का, यानी कि 1926 से लेकर 1949 तक का इनके द्वारा लगभग 400 से भी ज्यादा गोल यहां पर लगाए गए, तो इसी के चलते इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था। ये मानते थे कि इस इंसान के द्वारा एक हॉकी के ऊपर कुछ ऐसा चिपका लिया गया गोंद ये कुछ भी ऐसा जिससे कि बॉल चिपक जाती है, पर लेकिन वो थी इनकी प्रैक्टिस जो कि अप्रिशिएट करने लायक है कि इतनी शानदार प्रैक्टिस क्या करते थे कि लोग इनको जादूगर बोलते, और जादूगर बोला भी उस इंसान को जाता है जो अपने खेल में शानदार परफॉर्मेंस देता है, उन्हें कहते हैं कि अपने खेल का बादशाह है, तो उसी को जादूगर बोलते हैं क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की होती है उस एरिया में कि उसको पता होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों की छोटी सी स्टोरी बता दूं, ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर गेम में खेल रहे थे, इंटरनेशनल गेम था वो, एग्जैक्टली गेम का तो मुझे नाम याद नहीं मिला, वो ओलंपिक का मैच था या फिर कोई वैसा इंटरनेशनल गेम था, वहां पर ये माना जाता है कि काफी लंबा टाइम हो गया ध्यानचंद जी के द्वारा गोल नहीं लगाया गया, ठीक है। तो जब पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया तो उनके द्वारा ये बोला गया कि जो ये जहां पर गोल लगाते हैं यहां पर इसकी जो बेसिकली मेजरमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो गोल नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये आप लोग समझिए, इसको कहते हैं एक्यूरेसी, इसको कहते हैं प्रैक्टिस, उसको मतलब उस इंसान को ये पता है कि यहां पर इसमें गड़बड़ है, मेरे अंदर गड़बड़ नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते हैं भाई साहब कॉन्फिडेंस, और ये हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जब इंसान उस लेवल पर प्रैक्टिस कर लेता है ना, ये वाली चीज जब अंदर से आ जाए उसको कहते हैं बेसिकली रियल डी में, हाँ ये होता है बेसिकली कॉन्फिडेंस। तो ये वाली बात अगर आप लोग एक बार को किसी भी लेवल पर लेकर आ जाए, आप लोग अपना एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस करने में, कोई सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है, कोई गेम आप लोग खेल रहे हैं डांस परफॉर्मेंस में या फिर कोई भी इस तरीके कराटे जुड़े या फिर कोई भी एक तरीके जुड़ो कराटे या फिर कोई भी शूटिंग वगैरह, कोई जैसे अभी भाला फेंक वगैरह,
तो ये आप लोगों ने देखा होगा नीरज चोपड़ा को भी, जब इनका फाइनल वहां पर इनके द्वारा भाला फेंका गया तो उस टाइम पर भाला फेंकने के बाद में मतलब सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, पता ही था कि हाँ मतलब गोल्ड बना हुआ है पक्का, ठीक है। तो ये होती है प्रैक्टिस, तो इस लेवल पर बेसिकली प्रैक्टिस इंसान को करनी चाहिए, और यही प्रैक्टिस जो थी वो ध्यानचंद जी की थी यहाँ पर। तो इसी ऐसे ही नहीं लगते हैं 400 गोल, एक एक गोल के लिए तरस जाते हैं भाई साहब, एक एक गोल पर मैच इधर उधर हो जाता है। तो ध्यानचंद जी जो थे ये इलाहाबाद में बेसिकली पैदा हुए, और इनके द्वारा 1928, 1932 और 1936 मतलब स्वर्णिम काल, स्वर्णिम इतिहास माना जाता है यहाँ पर हॉकी का। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने फिर से यहाँ पर अपने उस इतिहास को बेसिकली कुछ अचीव करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी कंट्री की हॉकी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, इसलिए बताइए ये हमारी कंट्री की हॉकी के द्वारा मेन्स और वुमेन्स के द्वारा कौन सी पोजिशन पर रहे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मेन्स के द्वारा तो मेडल भी जीता गया हॉकी में, वुमेन्स के द्वारा मेडल नहीं जीता गया, पर पोजिशन कौन सी रही ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, खेल रत्न जो अवार्ड है कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, जैसे नॉर्मल सिविलियन कैटेगरी में आप लोग भारत रत्न बोलते हैं, ऐसे ही ध्यानचंद अवार्ड आप लोग यहां पर इसको खेल का भारत रत्न बोल सकते हैं, जिसको 2002 में इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेसिकली, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के बारे में, याद रखिएगा। नेशनल स्टेडियम भी है इनके नाम पर, ध्यानचंद जी के नाम पर, जिसको ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बोलते हैं, 2002 में बनाया गया। हमारी कंट्री में नेशनल स्पोर्ट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को, ये इन्हीं के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन दिस ओकेजन क्या किया जाता है, प्रेस्टिजियस जो खेल रत्न होते हैं, अर्जुन अवार्ड होते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं, और ध्यानचंद जो अवार्ड होते हैं वो यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये है इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन बनने के चांसेस थे इसलिए लगा थोड़ा स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, बाकी की जो न्यूज है वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सारी बताऊंगा, ये यहां पर स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ज्यादा लगी तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अभी एक क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करने, बोला जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। बोला जा रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, पहला क्वेश्चन ये अभी स्टेट पीसेस के अंदर पूछा गया। दूसरा, यहां पर स्टेच्यू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ मतलब कौन से स्टेट के अंदर है, तो विच तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश, तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए, और जो यहां पर आंसर लगा रखे हैं इनको मत देखिएगा कि हाँ ये सही है ये गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं अपने, जो बेसिकली आप लोगों के माइंड में थॉट आता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, तो अपने हिसाब से आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब आगे चलता हूं, अब यहां पर एडिटोरियल का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा पहले तो, और फिर इसके बाद में डिटेल में हम लोग एडिटोरियल कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से सुनिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्वेश्चन भी दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस कैंडिडेट की तरीके से तैयार कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग को पार्ट बना लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स पास कर कहीं नहीं जाओगे मुझे, ठीक है। प्रीलिम्स पास हो जाएगा तो क्या होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, वहीं पर आकर टिकोगे, और उसके चलते बिना आंसर राइटिंग के माना जाता है कुछ होगा भी नहीं। अगर रियलिटी में यूपीएससी क्लियर करना है ना तो आंसर राइटिंग के ऊपर खेला जाता है कंप्लीटली, अगर आप लोगों को यूपीएससी में बेसिकली एग्जाम क्लियर करना है, आंसर राइटिंग प्रीलिम्स एक हर्डल होते हैं, हाँ आप लोगों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आना था कि मेंस लिख सके, पर लेकिन उसके बाद में कुछ भी जो भी होगा वो यहां पर क्या होगा, वो होगा यहां पर ये वाला खेल। और मैक्सिमम एक बच्चे के द्वारा मुझे मेल लिखा गया, बोला है सर किसी भी कोचिंग में चले जाओ सब जो है मैक्सिमम जो है वो प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं, रीजन उनका यही है कि प्रीलिम्स में जब यहां पर तैयारी की जाती है तो वहां पर ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, आंसर राइटिंग जब कोई कराता है उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, तो इसके चलते वो सारा पैसा आप लोगों से बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब मतलब सिलेबस के कुछ पॉइंट्स कवर कराते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं कराते हैं, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर राइटिंग जरूर करिए रियलिटी में अगर आप लोग एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, एक तो ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इसी के साथ में जो यहां पर एक और आर्टिकल है इसी का जो पार्ट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला, दोनों पेगासस वायरस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक पैनल बनाया गया उसके चलते हैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बेसिकली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। और इसी के साथ में काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल ध्यानचंद जी की तरीके से, ठीक है। तो समझेंगे काफी कुछ। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, हालांकि जो आर्टिकल है वो ओनली एनर्जी के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया और रशिया जो है वो एनर्जी के फील्ड में रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, पर लेकिन मैं आप लोगों को एनर्जी के फील्ड में नहीं, मैं आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल फील्ड से बताऊंगा कि क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए ना तो क्या क्या आप लोग लिख सकते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, तो उस तरीके से ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यानी कि डिटेल में मैं आप लोगों को ये आर्टिकल बताऊंगा बिल्कुल हर एक तरीके से, तो उस तरीके से हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है। ये साइड वाला जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है जब जब इलेक्शन आते हैं हमारी कंट्री में, तो लुभावनवाद की स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। किसी को टीवी दे दिया, किसी को साइकिल दे दी, किसी को लैपटॉप दे दिया, ठीक है, वो सब चीजें जो देखने को मिलती है
ये माना जाता है कि वो सब चीजें देने की वजह से कभी भी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली वेलफेयर के बारे में बात नहीं करती है। वेलफेयर मतलब जैसे कि अगर बात करें कि हाँ किसी को अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, ठीक है, किसी को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तो इनके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब उनको पता है कि जब वोट डालने का टाइम आएगा तो आराम से वो टीवी, ये साइकिल और ये सब बांट बांट कर अपना वोट ले लेंगे, 5 साल मजे करेंगे, उसके बाद फिर टाइम आएगा फिर से, तो इसलिए वो अपना पैसा इकट्ठे करने स्टार्ट कर देते हैं कि लोगों की वोट ही खरीद लो ना डायरेक्ट, तो काम ही खत्म हो जाएगा। पर लेकिन लोग जो है वो बेचारे बड़े भोले होते हैं, प्यारे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहां पर इसके इन सब चीजों के बहकावे में आ भी जाते हैं। तो इसके चलते जो हेल्थ हो गया, जो इंप्लीमेंट हो गया, अफोर्डेबल जो सर्विस हो गया दूसरी उनको मिलनी चाहिए, घर का जो उनकी घर की सर्विस बेसिकली, अच्छी सड़कें हो गया, अच्छा एनवायरमेंट हो गया, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें नॉर्मली बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो राइटर इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है, काफी लोक लुभावनवाद वाला, पर प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नमेंट आई है यहाँ पर उसके द्वारा कुछ इसके अंदर चेंज किया गया, तो अब थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली बोला गया है इनके एक तरीके से, खासकर ये ऐसी कंडीशन आप लोग कई जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर बेसिकली, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये हेल्थ के बारे में इसकी में डिटेल में समझेंगे यहाँ पर इसके बारे में कि क्या क्या बात की जा रही है और हेल्थ को कैसे इंप्रूव करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ये यहाँ पर बेसिकली डेटा पॉइंट बताए गए यहाँ पर वही कोरोना वायरस के बारे में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, काफी एक तरीके से वैसे हमारी कंट्री के बारे में आर्टिकल नहीं है, ये श्रीलंका के बारे में, पर लेकिन हमारा पड़ोसी देश है तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यहां पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को जानने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर श्रीलंका के बारे में आप लोग समझेंगे तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर पैटर्न। श्रीलंका में सबसे पहले जो यहां पर प्रेसिडेंट थे, यहां पर ये थे जिनका नाम था महिंदा राजपक्सा, ठीक है, ये उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे, फिर यहां पर ये हारे, तो यहां पर मैत्रीपाला सिरिसेना जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और रानिल विक्रमसिंघे ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो फिर इनका जो गठजोड़ था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया, इनका गठजोड़ टूट गया और फिर से यहां पर जो है राजपक्से परिवार जीतकर आ गया, तो गोटबिया राजपक्से जो है ये यहां पर प्रेसिडेंट बन गए। तो फिलहाल ये आज के डेट में प्रेसिडेंट है और यहां पर जो इनके भाई हैं महिंदा राजपक्से जो कि पहले प्रेसिडेंट थे वो अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पूरा परिवार जो है यहां पर बेसिकली यहां पर राजपक्से वाला वो आज की डेट में श्रीलंका के अंदर पूरी गवर्नमेंट चला रहा है। तो यहां पर कंडीशन ये है कि इनके द्वारा जब 2019 में इलेक्शन जीते गए, अभी यहां पर तीसरा साल इनका स्टार्ट होने वाला है नवंबर के महीने में, तो जिस तरीके का पैटर्न श्रीलंका के अंदर होना चाहिए था, जिस तरीके से इनको इतने लार्ज स्केल पर लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ में जिताकर लाया गया था, उस लेवल पर आप लोगों को आउटपुट अभी देखने को नहीं मिलेगा देश के अंदर में, वहां पर काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि तो COVID-19 को ये टैकल करने में बड़े ही अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस देखने को मिला, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के साथ में अभी आप लोगों ने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर देखने को मिला, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया यहां पर कि इंसान जो है वो अपनी रोजी जो रोज यूज करने वाली जो बेसिक एक्टिविटीज की जो चीजें हैं वो भी वो इंसान जो है वो नहीं खरीद पाए यहां से। तो इसके चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिली। तो बोला ये जा रहा है कि ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोटेक्टिव वे में काम नहीं कर रही है कि जनता को बेसिक जो एम्यूनिटीज है वो जनता प्रोवाइड कराया जाए। बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रीलंका अपना काफी हद तक आज के में अपने आप को बेच चुका है बेसिकली किसके हाथों, आज के में चाइना के हाथों। यहां पर ये माना जा रहा है कि सबसे फेवरेट पर्सन अगर कोई आज के में प्रेसिडेंट के हैं तो है सी जिनपिंग, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट, तो उनके हिसाब से यहां पर ये काम कर रहे हैं। तो एक परिवार जो है ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश को बर्बाद करने पे यहां पर तुला हुआ है। काफी लार्ज स्केल पर जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते हुए यहां पर जा रहे हैं। बेसिकली गरीबों को गरीबी से निकालने से तो गए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी वो भी गरीबी रेखा के नीचे यहां पर आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से एक पावर में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, और पता नहीं जिस कंडीशन से ये आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये पूरा सर्वाइव भी कर पाएंगे 5 साल या फिर नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा रोष आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा। और जब लोगों के अंदर इस तरीके का डिसकंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तरीके से बोला जा रहा है कि सोशल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सोशल क्राइसिस मतलब ना हेल्थ अच्छी है, ना एजुकेशन अच्छी है, ना इवन खाने पीने का सामान जो है वो अप टू द मार्क मिल रहा है। तो इसी के लिए यहां पर अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी श्रीलंका के अंदर लगाई गई थी। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है यहां पर। और यहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपना वो नहीं कहते कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब दिक्कतें आती है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि आंख बंद कर ली तो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो फेलियर हो चुकी है एक तरीके से, जो क्राइसिस है तो गवर्नमेंट भी यहां पर एक तरीके से क्राइसिस के मोड पर खड़ी है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, सोशल पॉइंट ऑफ से, हर तरीके से यहां पर त्राहिमाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में सोसाइटी भी काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड आप लोगों को नजर आएगी। तो इसके चलते कुछ मुद्दे यहां पर बात किए गए, कुछ ऐसे भी चेंज इनके द्वारा किए गए कि श्रीलंका में खुद में ही अपने ही यहां पर एक तरीके से पहले प्रेसिडेंट पावरफुल
रोल था, फिर उसको नॉर्मल किया गया इन दोनों के द्वारा, पर लेकिन फिर से इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट को जो है पावरफुल बनाने की बेसिकली कोशिश यहां पर की है। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में और दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। तो ये मुद्दा था यहां पर इनका, जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं प्रोस में क्या चल रहा है। ओके, जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हर लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में तो फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, क्योंकि प्राइवेसी आप लोगों का भी इशू है, ठीक है, तो आप लोगों का भी एक तरीके से लाइफ का हिस्सा है, तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना है। दूसरा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसे या फिर आप लोग एथिक्स के अंदर, क्योंकि एक एथिकल इशू बन जाता है, किसी की प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हुआ क्या अभी यहां पर, एक पेगासस नाम का वायरस बेसिकली आप लोग यहां पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में, ये इजराइल की कंपनी है जो यहां पर इसके द्वारा डेवलप किया गया। तो ये जो पेगासस वायरस है ये इजरायली कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया और अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिला। ये बोला गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, इवन यहां पर जो सीबीआई के चीफ वगैरह हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, उनके खिलाफ पेगासस वायरस को यूज किया गया। ये आखिर गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ, ये जो पेगासस वायरस है, एक एनएसओ ग्रुप करके इजरायल के अंदर, उसके द्वारा ये पेगासस वायरस बनाया गया, और उसके द्वारा ये पेगासस वायरस इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ध्यान रखा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। पर हमारी कंट्री में नॉर्मल जनता के खिलाफ यहां पर ये पेगासस वायरस यूज किया गया, तो कोर्ट में कई सारे केस इसको लेकर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपर वे में हैंडल करने की बात की जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, किसी के पर्टिकुलर फोन को हैक कर लेना, उसका सामान चोरी कर लेना, पर लेकिन ये फोन को हैक तो करता ही करता है, सामान चोरी तो कर ही सकता है आसानी से, ये उसी के साथ साथ में पूरे फोन को कंट्रोल भी करता है। यानी कि आप लोगों का फोन आप लोगों की पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो ये इंसान अगर कोई इसको यहां पर पेगासस वायरस उसके अंदर डालेगा तो उसको अपने हिसाब से बेसिकली कंट्रोल भी कर सकता है। मिस कॉल देकर यहां पर आसानी से ये आप लोगों के फोन में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, और आप लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड मैसेज जो कैलेंडर में जो इवेंट रखे हुए, हिस्ट्री, इंटरनेट, क्या क्या आप लोगों ने यूज किया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज देखने को मिलेगी। कहीं आप लोग बैठे हुए हैं यहां पर, आप लोगों का माइक ऑन कर आप लोगों की आवाज सुनी जा सकती है, आप लोगों का कैमरा ऑन कर आप लोगों के आसपास का एरिया देखा जा सकता है, ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर चीजों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा जो आप लोगों के फोन में इस पेगासस वायरस को डालेगा। तो ये हर लेवल पर काम करता है, चाहे आप लोगों का एंड्रॉइड सिस्टम हो, चाहे आईओएस फोन हो, तो इसके बारे में बातें की जा रही है। तो किस तरीके से एंट्री कर सकता है, एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज या फिर कोई अननोन वल्नरेबल कोई कंडीशन है जिसके बेस पर जा सकता है, और ये सारी चीजें यानी कि सारे ईमेल, फोटो, व्हाट्सएप कॉल, रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट, सारी चीजें यहां पर बेसिकली अपने अंडर में ले सकता है। तो इतना खतरनाक वायरस जब देश के अंदर यूज किया जा रहा है, तो यहां पर कोर्ट्स के द्वारा पूछा गया यहां पर कि इसके बारे में यहां पर एक तरीके से कोर्ट को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो यानी कि कोर्ट यहां पर इसमें संज्ञान लिया, और उसके चलते ये आर्टिकल अभी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, काफी कुछ आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक कमेटी अभी बनाई गई है जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिनका नाम है यहां पर आरवी रविंद्रन, कई सारे एग्जाम में इस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछे जाने वाला है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये इशू बन गया, गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर बातें चल रही है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब यहां पर ये बेसिकली कमेटी बनाई गई, तो बोला यहां पर यह गया कि एग्जामिन किया जाएगा प्रॉपर वे में कई सारी चीजों को, ठीक है, तो यहां पर देखा जाएगा कई सारी चीजों को क्या क्या कंडीशन बनी है। तो बोला जा रहा है कि देखिए, अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं ना, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोशल एक्टिविस्ट हो गया, फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसी के बारे में आप लोगों को यहां पर सोचना है जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेसी के बारे में। हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, ये जो अपोजिशन है उनके द्वारा भी बोला गया, काफी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। अभी यहां पर जो जस्टिस रविंद्रन है यहां पर, वो यहां पर चेयर करेंगे, आलोक जोशी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर 1976 बैच के, इसी के साथ में यहां पर जो है संदीप ये ओब्रॉय, ठीक है, तो यहां पर ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जो कि इसका पार्ट बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से काफी ये तीन मेंबर की कमेटी रहेगी जो काफी कुछ यहां पर चेक करेगी। एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले भी याद रखेगा, वेस्ट बंगाल के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, ये था मदन बी लोकुर, ठीक है, तो मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज और इसी के साथ में फॉर्मर हाईकोर्ट के जो जज थे, जिनका नाम था यहां पर ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, इन दोनों को मिलाकर जो वेस्ट बंगाल के द्वारा भी कमेटी बनाई गई थी इसी मुद्दे को चेक करने के लिए। तो अभी यहां पर ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। तो यहां पर इनका बेसिकली क्या क्या ये काम करने वाले हैं, अगर मैं बोलूं यहां पर, तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या डिटरमाइन करेगी। तो पेगासस जो यूज किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, पेगासस जो है वो यूज किया गया बेसिकली फोन के अंदर में, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे डिवाइसेज के अंदर में सृजन के जो बेसिकली डेटा को, ठीक है, यहां पर चेक करने की कोशिश की गई। तो यहां पर इसको देखा जाएगा कि यहां पर इसका पर्पज क्या था, आखिर क्यों यहां पर इसको यूज किया गया। तो यहां पर डिटेल्स जो विक्टिम्स की जो निकाली गई है, ठीक है, जो पर्सन अफेक्ट हुए उनको बेसिकली उनका एक एनालिसिस किया जाएगा, इसी के साथ में यहां पर कि क्या स्टेप
स्टेप, क्या एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जब उनको पता चला 2019 में कि यहाँ पर ऐसा कोई वायरस यूज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? पेगासस जो था क्या गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया? क्योंकि इसराइल की जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप, वो ये बोलती है कि हम लोग ओनली गवर्नमेंट को ही ये बेसिकली वायरस भेजते हैं, हम लोग ये और किसी को नहीं भेजते हैं, और वो भी टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की ही किसी एजेंसी के द्वारा इसको खरीदा गया, और इसकी कॉस्ट इतनी होती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन इसको खरीद ही नहीं सकता है। तो इतना ज्यादा इसकी कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, ये बहुत बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी के खिलाफ यहां पर यूज किया जा रहा है, अगर इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज किया जा रहा है तो ये प्राइवेसी का हनन हो जाता है, ठीक है। तो एनी सेंट्रल स्टेट एजेंसी के द्वारा ये इसको यूज किया गया, तो उसके बारे में समझेंगे। बोला गया कि इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी अगर इसको यूज कर रही है तो किस रूल के हिसाब से यूज किया गया, किस गाइडलाइन के हिसाब से यूज किया गया, किस प्रोटोकॉल के हिसाब से रूल किया गया, किस लॉ के हिसाब से रूल किया गया। तो यहां पर इसको ये बताना है कि अगर आप लोगों ने ये वायरस यूज किया है तो क्या क्या उसके पीछे पर्पज थे, क्या क्या उसके पीछे तरीके थे जिसके बेस पर आप लोगों ने यूज किया, क्या कोई ऑथेंटिक आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन थी कि हाँ आप लोगों को लग रहा था कि ये लोग टेररिस्ट हैं, कि आप लोगों को उसके लिए यूज करना है, या फिर एनी अदर जो मेजर एस्पेक्ट्स यहां से बन सकता है, इसके ऊपर भी यहां पर ये एनालिसिस काम करने वाला है। ठीक है, ये जो कमेटी है ये 7 पॉइंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है, ठीक है। तो काफी डिटेल में यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या यहां पर टर्म ऑफ रेफरेंस यहां पर रहने वाला है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है टू मेक रिकमेंडेशन, यानी किन मुद्दों पर ये रिकमेंडेशन यहां पर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि रिगार्डिंग इनेक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ लॉ प्रोसीजर ऑन सर्विलेंस, यानी कि एक तरीके से सिक्योर इंप्रूव राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग किसी का सर्विलेंस करना है, किसी को चेक करना है कि टेररिस्ट है या फिर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पर सब लोगों की प्राइवेसी का हनन करेंगे। तो आप लोग को एक लॉ के थ्रू चलना पड़ेगा, रैंडम आप लोग के हाथ में पावर नहीं है, आप लोग किसी को भी जाकर चेक करने लगोगे, ये पहला मुद्दा है। दूसरा बोला गया यहां पर इनहेंस करना है, इंप्रूव करना है साइबर सिक्योरिटीज जो लो है हमारे देश में उनको, ताकि चीजों को टैकल किया जा सके ढंग से। इंश्योर करना है यहां पर काफी अच्छे से कि राइट टू प्राइवेसी मेंटेन रहे। देखिए हमारी कंट्री में भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में काफी अच्छे से मैं आप लोगों से बात करूंगा कि राइट टू प्राइवेसी यहां पर पर्टिकुलर इंसान की उसकी लाइफ के साथ में स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो आखिरी सांस लेता है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, तो उसका हनन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। इसी के साथ में बात की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैकेनिज्म, अगर यहां पर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको इलीगल सर्विलेंस को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या क्या करा जा सकता है, इसके बारे में यहां पर ये कमेटी रिकमेंड करेगी। इसी के साथ में यहां पर बोला जा रहा है कि सेट करना है यहां पर एक तरीके से वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट जो एजेंसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट कर सके कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आ रहा है, ठीक है, कोई साइबर अटैक हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर एक तरीके से कोई थ्रेट, कोई भी कंडीशन ऐसी देखने को मिल रही है, यानी कि कोई भी अगर यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसको एक तरीके से चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी होनी चाहिए जो इसके बारे में चेक करे, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है सिटीजन के, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती है। आप लोगों को पता है हमारे देश में बीएन श्री कृष्णा कमेटी लाई गई थी जिसके द्वारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ का एक खाका तैयार करके दिया गया था, पर लेकिन अभी उसको लॉ नहीं बनाया गया, अब तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जब तक कोई लॉ यहां पर नहीं आ जाता है तब तक यहां पर प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा प्रोसीजर को, तो इसके चलते या फिर कोई और मैटर ऐसा लगता है जो कि यहां पर प्रॉपर होगा तो उसके ऊपर भी यहां पर ये काम करेगी। तो ये जो कमेटी है यहां पर ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखती हुई नजर आएगी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक, तो 22 तक। आर्टिकल 22 के और 19 के बीच में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, वो वाइट करता है बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में। उस राइट टू लाइफ को जब यहां पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा 2017 में, वो केस था KS पुत्तास्वामी केस। केएस पुत्तास्वामी केस में ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है यहां पर फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट बनेगा ये आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यही यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स में, उसे पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल से यहां पर निकाल कर लाएगी, ठीक है, तो आर्टिकल 21 से यहां पर निकाल कर लाएगी। और राइट टू प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो किस आर्टिकल के अंदर में आती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। अब आर्टिकल 21 में आखिर रिसेंटली अगर पढ़ूं आप लोगों के सामने जो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 21, मैंने पॉलिटी के जब लेक्चर आप लोगों के लिए थे ना सारे, उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, इनके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर मैंने ले रखे हैं अलग से, तो इसलिए डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं इनको कोर्ट के द्वारा बार बार एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो उन दो लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, और पॉलिटी को अच्छे से कवर करिएगा, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं जिनके आसानी से मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 180 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों के बने हुए, पॉलिटी आप लोग जाकर जरूर देखेगा।
प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो यहां पर आर्टिकल 21 में इसके बारे में बात की जाती है। ये फंडामेंटल राइट है, ये एवरी सिटीजन एंड द फॉरनर एक तरीके से यहां पर, तो एक तरीके से ये इंसान को ये राइट प्रोवाइड कराते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी के हिसाब से बात करें। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया इस राइट को एज हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही सारी चीजें रहेगी ना, उन्हें कहते हैं जान है तो जान है। इंसान मर गया अब उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, फ्रीडम ऑफ हेल्थ है, फ्रीडम ऑफ कुछ भी फ्रीडम दे लो, फ्रीडम का कोई मतलब रह गया कि जब इंसान ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको बोला गया हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तभी इंसान की डिग्निटी होगी जब जिंदा होगा, जब जिंदा नहीं होगा क्या डिग्निटी होगी। अगर बात करें यहां पर चीफ गोल जो आर्टिकल 21 का, वो राइट जो बात करता है राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी के बारे में बात करता है, और एक तरीके से स्टेट इसको नहीं छीन सकता। और अगर स्टेट को इसके ऊपर लिमिटेशन भी लगानी है तो एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होगा ताकि यहां पर ऐसा कुछ किया जा सके, ऐसा नहीं होगा रैंडमाइज आप लोग कुछ भी अपना स्टेप उठाएं और यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यार आप लोगों से बेसिकली आर्टिकल 21 के बारे में, तो लगा मुझे आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैंने बताया, आर्टिकल 21 को कवर कर लिया पूरा आप लोगों का। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 के तहत, तो यहां पर कई सारे केस थे इससे पहले इसको मना कर चुके थे। जैसे कि अगर बात करें 1950 में यहां पर एमपी शर्मा का केस था, 1960 में यहां पर खड़ग सिंह केस था यहाँ पर, ये ठीक है KHARA, ठीक है, तो ये केस है यहाँ पर निकलकर जिसने बोल दिया साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता, बहुत सारे मुद्दे हैं। पर लेकिन जब आधार कार्ड वाला केस आया जिसको आगे चल के हम लोगों ने केस पुत्तास्वामी केस बोला, ये केस आया 2017 में और उसके द्वारा सारी चीजों का एनालाइज किया गया, क्योंकि आधार जब कार्ड कोई आप लोग बनाते हैं उसके अंदर आप लोग की आंखों की पुतली, ठीक है, आंखों को स्कैन किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स आप लोग के लिए जाते हैं सारे, तो काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दिखा कि बहुत सारा डेटा था आधार कार्ड का वो पब्लिक में घूम रहा था उड़ा, ठीक है, तो यानी कि कोई भी वहां पर उसको यूज कर सकता था, तो उसके चलते दिक्कत हो गई। उसी आधार कार्ड पर आप लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं बैंक के अंदर, उसी आधार कार्ड पर आप लोग बेसिकली काफी कुछ चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते वो आधार कार्ड का डेटा सिक्योर रहना चाहिए ना, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोला गया उस टाइम पर केस पुत्तास्वामी केस के द्वारा कि आर्टिकल 21 जो है वो यहां पर बेसिकली फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा, तो यहां से ये चीजें निकल कर आई, यानी कि स्टार्टिंग से हमारे संविधान में राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, बाद में इसको ऐड किया गया एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और बता देता हूं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, हमारे संविधान में अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा मैटर है जो कि संविधान से रिलेटेड है, तो उसके लिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है, नाम ही में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो यानी कि संवैधानिक बेंच आप लोग बोल सकते हैं, किसी भी मुद्दे को चेक करने के लिए संवैधानिक बेंच यहां पर बनाई जाएगी। तो इसी के चलते यहां पर ये जो डिसीजन यहां पर निकाल कर लाया गया था कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना है आधार कार्ड के केस में, तो 9 जज की बेंच यहां पर बनी थी। तो ये 9 जज की बेंच बनी थी यहां पर, नॉर्मली मिनिमम 5 जज होने चाहिए अगर कोई संविधान से रिलेटेड मैटर आप लोगों को ये यहां पर चूज करना है। और याद रखिएगा यहां पर हमेशा ओड नंबर होंगे, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से आप लोगों को नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि अगर कल को डिसीजन लेना है, पता चला 3 जज एक साइड में सहमत हो गए, 2 एक साइड में सहमत हुए, अगर 6 हो गए तो पता चला 3-3 हो गए, तो डिसीजन ही नहीं आ पाएगा। तो ओड नंबर इसलिए लिखा जाता है कि कम से कम यहां पर इंसान जो है वो डिसीजन दे पाएंगे एक डेमोक्रेटिक वे में। तो मिनिमम 5 जज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत यहां पर ये कमेटी बनाई जाती है, तो आर्टिकल 143 है जिसके तहत यहां पर ऐसी कोई कमेटी बनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आर्टिकल 145, ठीक है, आर्टिकल 143 जो है यहां पर ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है पब्लिक इंपोर्टेंस में अगर कोई इससे रिलेटेड मैटर है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है यहां पर कोई भी ऐसी बेंच बेसिकली बनाने की जो कि ये मुद्दे देखती है। तो हो गया ना बिल्कुल एक तरीके से डिटेल में क्लियर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बोला ये जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो इंपोर्टेंट मुद्दा क्या बोला गया अभी हमारी कंट्री के अंदर में जब यहां पर ये केस निकल कर आया, तो ये बोला गया लगभग टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 50,000 के करीब जो फोन है उनको टैप किया गया, 50,000 में से लगभग 300 के करीब जो फोन थे वो हमारे देश में टैप किए गए, और वो सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके फोन टैप किए गए बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो बोला यह गया कि 46 पेजेस की जो यहां पर अभी ऑर्डर पब्लिश किया गया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमन, उनके द्वारा बोला गया कि सर्विलेंस किस बेस पर आप लोग कर रहे हैं ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो सेंटर जो है वो यहां से बच नहीं सकता, सेंटर को यहां पर बेसिकली बताना पड़ेगा कि सर्विलेंस उनके द्वारा किया गया नहीं किया गया, अगर उनके द्वारा नहीं किया गया तो किसके द्वारा ये सर्विलेंस किया गया, तो ये बताना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि अगर ये पता नहीं चलेगा तो आगे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इंसान की प्राइवेसी यानी कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, और यहां पर ऐसे नहीं जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट या फिर डॉक्टर
यही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हर एक कॉमन आदमी, हर एक कॉमन इंडियन सिटीजन, उसकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, और हर एक कॉमन सिटीजन की प्राइवेसी जो है वो यहां पर बेसिकली उसका फंडामेंटल राइट है, तो उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो अगर पेगासस वायरस रियलिटी में व्हाट्सएप के अंदर यूज किया गया, तो आखिर क्यों यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया, किस लो के थ्रू यहां पर यूज किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर निकलने वाली है। तो राइटर एक हिदायत दे रहे हैं बेसिकली यहां पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसको, राइटर एक हिदायत दे रहे हैं यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट को कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए इस कमेटी के साथ में, और जो रियलिटी है वो रियलिटी यहां पर सामने निकल कर आनी चाहिए सबके सामने, जिसके चलते सबको पता चले कि रियलिटी में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। तो उसके बारे में यहां पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेगासस वायरस के बारे में बताया, तो मैंने बोला था ना कि एक दो दिन में इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आएगा, डिटेल तो डिस्कस कर लेंगे। तो पेगासस वायरस जो है ये एक तरीके से एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आप लोग बोल सकते हैं, वो नहीं गलत तरीके से बनाया गया सॉफ्टवेयर गलत माहौल के लिए यूज करने के लिए, तो एक तरीके से दोषपूर्ण आप लोग बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, जो यहां पर एक इजरायली कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा 2010 में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एनएसओ ग्रुप के बारे में। जीरो क्लिक बोला जाता है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, पहले बोलते हैं लिंक पर क्लिक मत करना वरना वायरस आ जाएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को ये जद्दोजहद देता ही नहीं है, अपने आप ही फोन के अंदर घुस जाता है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयरिस्ट जो भी थे सबके यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि यहां पर पेगासस वायरस यूज किया गया। इंडियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपोजिशन के जो बेसिकली जो लीडर थे उनको भी यहां पर ताक पर रखा गया। व्हाट्सएप जो है यहां पर उसके अगर बात करें 2019 में व्हाट्सएप के द्वारा फाइल किया गया लॉ सूट यहां पर यूएसए की गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली यूएसए के कोर्ट में अगेंस्ट द एनएसओ ग्रुप के, कि हाँ ये गलत है एक तरीके से व्हाट्सएप को यूज करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा इस तरीके की हरकतें करने के लिए। तो यहां पर कई सारी ऐसी बातें भी यहां पर की गई। इंडिया के अंदर क्या कोई स्टेप है, जी हाँ, यहां पर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हमारी कंट्री में 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है 2017 में लॉन्च किया गया। साइबर स्वच्छता केंद्र है 2007 में लॉन्च किया गया। तो ऐसा नहीं है कि लो हमारे देश में नहीं है। साइबर जो बेसिकली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, जिसको I4CB बोलते हैं, नेशनल साइबर जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जिसको CERT आप लोग बोलते हैं, उसी के साथ में लेजिस्लेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2019, तो ये भी यहां पर एक्ट है जिसके बेस पर याद रखिएगा। तो पूरा मैंने हर तरीके से, अब इसमें से आप लोग समझ सकते हैं 4-5 आर्टिकल इसके अंदर आ गए, ठीक है। कमिटी ने क्या बताया, कमिटी ने क्या डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, कौन बनाकर यह करता है, ठीक है, क्या है आर्टिकल 21, क्या यहां पर प्राइवेसी कहां से निकाला गया, उससे पहले कौन से ऐसे जो केस थे जिसके बेस पर प्राइवेसी को नकार दिया गया था, प्राइवेसी को पार्ट नहीं बनाया गया, फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस कर लिया, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, क्या क्या बातें हैं। तो डिटेल में पेगासस वायरस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये जो न्यूज है इसमें कोई भी आप लोग कंफ्यूजन होना चाहिए किसी भी तरीके से, पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कंफ्यूजन है तो इसके बारे में जरूर बताना, डिस्कस कर लेंगे। आइए तब तक आगे चलते हैं, इंडिया और रशिया के रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रिलेशन है, यहाँ पर ये पिक्चर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, देखो अपने प्रेसिडेंट को कैसे देख रही है यहाँ पर ये, ठीक है, बड़ा ही डिफरेंट था, ठीक है। और यहाँ पर ये एक तो ये पिक्चर और एक ये पिक्चर है, यहाँ पर बेसिकली इंडिया रशिया और चाइना की तिकड़मबाजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन भी है जो को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर, और एक स्टेटिक क्वेश्चन भी दूंगा, तो आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर क्वेश्चन जरूर पोस्ट किया कीजिए, ठीक है। कहीं भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है टाइपिंग करके आंसर लिखना है तो वीडियो के बेसिकली कमेंट में भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और हाँ, जो पहली बार अभी आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी कोशिश करो कि एक छोटा सा यानी कि पूरा आंसर आप लोगों को लिखना है, ट्राई करो थोड़ा थोड़ा लिखने की, 50-100 शब्द इसके बारे में लिखने की कोशिश करो, फिर आगे उनको बढ़ाना स्टार्ट कर देना, तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बेसिकली बात की जा रही है कि डिस्पाइट द फॉरेन पॉलिसी जो है आज के में, गोल आर टेकिंग देम इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि इंडिया और जो रशिया है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर फिर भी बोला जा रहा है कि इट इज इंपेरेटिव, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है काफी फॉर इंडिया एंड रशिया टू बोलस्टार देयर टाइज, अपनी जो टाइज है उनको मजबूत करें, फिर भी यहां पर ये काफी ज्यादा अनिवार्य है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करूंगा बेसिकली, आखिर क्या है मुद्दा समझेंगे डिटेल में, ठीक है। एनर्जी कॉपरेशन में से दोनों काम कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि आर्टिकल तो एनर्जी कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन मैं आप लोगों से चहुमुखी आर्टिकल डिस्कस करूंगा चारों डायमेंशन का विकास करके, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको सुनेगा, और इसी में से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों के अंदर कई सारी जो डायमेंशन जानेंगे तो सारी चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। अभी अगर बात करें 2020-21 में जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है उसमें कई सारे डिफरेंस देखने को मिले, वो डिफरेंस का रीजन क्या था, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि बताओ यार इंडिया और रशिया के रिलेशन में अच्छे रिलेशन क्यों नहीं चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर यूएसए और चाइना के बीच में जो दुश्मनी हो रही है उसकी वजह से इंडिया और रशिया के ऊपर रिलेशन इंपैक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि रशिया ये बोलते हैं यहां पर बेसिकली
सॉरी यूएसए ये बोलते हैं यहां पर कि इंडिया को रशिया से S-400 सिस्टम नहीं खरीदना है, ठीक है, इंडिया को रशिया के साथ में डिफेंस के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं रखने, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ में चाइना जो है, चाइना के रशिया के साथ में रिलेशन अच्छे बढ़ रहे हैं तो इंडिया को उससे दिक्कत होती है। तो दोनों के जो एक अच्छे रिलेशन थे यहां पर 1971 की वो जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को अलग किया गया, उस टाइम पर रशिया हमारे साथ था और यूएसए जो था वो पाकिस्तान के साथ में था, पर लेकिन आज के डेट में उल्टा काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो रिलेशन अलग डायमेंशन में चल रहे हैं। दूसरा, इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि मैक्सिमम जो रशिया है वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, पर फिर भी रशिया की मजबूरी है कि वो चाइना के सपोर्ट में आता है, ठीक है। कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं यहां पर जो एक तरीके से बिटवीन जो वेस्ट और रशिया के जो रिलेशन, उसकी वजह से भी यहां पर रशिया के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो ढंग से नहीं चल पाते अलग अलग कंट्री की वजह से। आज के में बोला जा रहा है कि लीडरशिप चेंज हो गई यूएसए में, पहले यहां पर जो बाइडन थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडन आ गए, तो जो बाइडन का रवैया थोड़ा डिफरेंट है, डोनाल्ड ट्रंप फिर भी लिबरल थे रशिया को लेकर थोड़ा सा, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर गुस्सा थे। अगर बात करें रशिया और इंडिया दोनों जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में आज के में चाहते हैं रहें, ऐसा नहीं है कि चाइना या फिर रशिया बेसिकली चाइना के नीचे या फिर यूएसए के नीचे दबे रहे कोई सा भी, तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो जिस से चेंज हो रहे हैं आज के में ग्लोबल सिनेरियो के लेवल पर, उसी तरीके से आने वाले टाइम में दोनों कंट्री यहां पर एक गोल्ड एक कोल्ड वॉर का टाइम था यहां पर, ठीक है, अब उस एरिया में नहीं जाना चाहते, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या-क्या फायदा रहेगा, तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले यहां पर बेसिकली कुछ बातें जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर रसिया और इंडिया के लिए, अगर रिलेशन की बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द जो रसिया फॉर इंडिया, इनके इंपॉर्टेंस ऑफ द रसिया फॉर इंडिया, इनके हमारे देश के लिए रसिया की क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात तो ये कि चाइना को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, चाइना अगर हरकतें करता है तो कहीं ना कहीं रसिया जो है वो यहां पर बैलेंस करने में यहां पर हेल्प करता है, और इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख वाले इशू पर एक तीनों कंट्री की मीटिंग भी रसिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी जिसके, ठीक है, जिसको यहां पर RIC बोला गया, तो रसिया इंडिया चाइना। इसी के साथ में इमर्जिंग न्यू जो सेक्टर है जैसे कि वेपन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, डायमंड हो गया, न्यू सेक्टर कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, माइनिंग हो गया, इसी के साथ में एग्रो इंडस्ट्री हो गया, हाई टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें रसिया और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते हुए नजर आएंगे। रसिया फार ईस्ट रीजन में यहां पर खासकर आर्कटिक वाला जो रीजन है वहां पर काफी अच्छे लेवल पर चाहता है कि इन्वेस्टमेंट हो, तो इंडिया वहां पर अपने पैर भी जमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें टेररिज्म को कंट्रोल करने में, तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, सपोर्ट करते हैं मल्टीलेटरल फोरम में जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे चला गया यहां पर, जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो इसको थोड़ा सही कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, तब क्या लो अभी कर देते हैं, ठीक है, आगे समय में यहाँ पर दिख रहा है ना, अब यहाँ पर ये दिख रहा है, तो बेसिकली ये है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। इसी के साथ में अब बात करें तो जो यहाँ पर बोला इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिया फॉर रसिया, तो इंडिया को क्यों चाहता है रसिया, रसिया तो इंडिया चाहता है रसिया को, मैंने बता दिया, पर लेकिन रसिया क्यों चाहता है इंडिया को, तो बैलेंस करने के लिए चाइना को, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो फार ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर सारा इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाइना का हुआ करता था, ठीक है, ये रसिया हो गया यहाँ पर, तो इसका फार ईस्ट वाला रीजन सारा जो मॉस्को यानी कि रसिया का वो चाइना का हुआ करता था, अभी यहाँ पर इंडिया को भी इसके द्वारा इन्वाइट किया गया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको टैकल किया जा सके, यानी कि रसिया भी नहीं चाहता यार वो उसको ये बोले यार ये तो चाइना का जूनियर पार्टनर है, ठीक है, और ना ही इंडिया चाहता है कि कल को इंडिया को कोई बोले कि यूएसए का जूनियर पार्टनर है, तो अपना भी इज्जत है यार, अपनी इज्जत को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। उसी के साथ में रिवाइव करना है यूरेशियन जो इकोनॉमी है, तो वहां पर ये इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो यहां पर भी एक तरीके से प्रॉपर कोल्ड वॉर जैसा एरा नहीं चाहता है, तो एक माहौल के चलते यहां पर सारी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन कई सारे चैलेंज है, इंडिया गोइंग वेस्ट और रशिया गोइंग ईस्ट, यानी कि इंडिया वेस्ट की तरफ को जा रहा है, वेस्ट मतलब यूएसए की तरफ को जा रहा है आज के डेट में, ठीक है, तो चाइना जैसे इससे हरकतें कर रहा है तो इंडिया को लग रहा है कि यार वेस्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, तो यहां पर चाइना को टैकल किया जा सकता है। इसी का एक उदाहरण है यहां पर क्वाड, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो माहौल बन रहा है यहां पर अभी उसी का उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा, रशिया गोइंग ईस्ट यानी कि रशिया जो है वेस्टवर्ड जा रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो इसके चलते रसिया जो है वो बेसिकली जब से यहां पर इसको द्वारा क्रीमिया को एनेक्स किया गया 2014 में, एक क्रीमिया वाला इश्यू है ब्लैक सी में, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार देखिएगा, ब्लैक सी से अभी क्वेश्चन भी आप लोग स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ ले आते हैं, तो यहां पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई ये, आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिलेगा और यहां पर ये क्रीमिया है, ठीक है, तो ये हो गया यूक्रेन का पार्ट, तो इस ब्लैक सी के अंदर में क्रीमिया को हड़पा गया बेसिकली रशिया के द्वारा, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिली यहां पर, तो G8 कंट्री से इसको बाहर निकालकर G7 कंट्री बना दिया, ठीक है, तो अभी G8
कंट्री नहीं है, G7 कंट्री है। तो इसके चलते ये रसिया जो हो रहा है वो ईस्ट यानी कि चाइना की साइड में ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें आज की डेट में जो इंप्रूव हुए रिलेशन चाइना के साथ में तुर्की इंडिया और जो तुर्की ईरान और पाकिस्तान के, तो ये भी मुद्दा है यहां पर। रसिया जो है यहां पर वो एक तरीके से जो बात करें यहां पर ईस्ट पॉलिसी में, यहां पर जो एक तरीके से अगर देखकर चले आप लोग, जैसे यूएसए एक साइड में हो गया, ठीक है, तो यहां पर इंडिया और रसिया जो है वो सफर करते हैं यहां पर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है कि रसिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं रहते तो हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें इंडिया जो है वो इमर्जिंग रसिया इंडो पैसिफिक रीजन में अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा यहां पर, तो एक तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन को आगे कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसी के साथ में रसिया इंडिया जो चाइना है वो फॉरेन पॉलिसी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट में काफी अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों मल्टीलेटरल फोरम में, जैसे कि ब्रिक हो गया, आरएसी हो गया, G20 हो गया, ठीक है, एशिया जो ईस्ट एशिया समिट हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पर मिलकर भी दोनों काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो नाइदर इंडिया नोर रसिया आज के में ना तो इंडिया चाहता है वो यूएसए का जूनियर पार्ट बने, ना ही यहां पर रसिया चाहता है कि वो चाइना का जूनियर पार्टनर बने, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और एनर्जी के फील्ड में दोनों काम कर ही रहे हैं, आप लोगों को पता है अपनी कंट्री की एनर्जी के बारे में जरूर याद रखिएगा, रसिया काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है इंडिया के अंदर एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री अभी 450 गीगावाट का टारगेट है एनर्जी के सेक्टर में, याद रखिएगा 2030 तक का, तो ये भी है काफी सारी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जब आंसर राइटिंग आप लोग लिखने बैठेंगे तो इतने पॉइंट्स होंगे आप लोग ये नहीं जान पाएंगे यार कौन से पॉइंट इंक्लूड करें, ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जिसके बारे में आइडिया रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि ये कल ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फिर से एक जल्दी से रिविजन करा देता हूं, इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, आयुष्मान भारत ये स्कीम के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको ढंग से लेकर चलेंगे तो सेल्फ रियलाइंड बनेंगे, पब्लिक हेल्थ अच्छी बनेगी, ठीक है। इसी के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंप्रूव होती नजर आ रही है, और 64,180 यानी कि 64,180 रुपीस के करीब यहां पर 5 साल में इसमें खर्च किए जाएंगे, तो ये भी कई सारे मुद्दे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए, और भी कई सारे इनिशिएटिव है जैसे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत जो अगर बात करें स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और जन औषधि योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अभी यहां पर बोला गया कि लगभग 70% के करीब जो फैसिलिटी लोकेटेड है ऑल ओवर इंडिया में, 65% गांव वाले एरिया में और 87% यहां पर शहर वाले एरिया में, तो इसको सही लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि गांव वाले एरिया में फैसिलिटी बढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर गांव वाले एरिया में आप लोगों को फैसिलिटी ढंग से देखने को नहीं मिलती है, तो उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। कई सारी स्कीम भी है जिसके चलते इस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी बातें यहां पर की जा रही है। इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि 17,788 जो हेल्थ और वेलिंग जो वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और 11,024 के करीब यहां पर बेसिकली अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर यहां पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात की जा रही है। पैन इंडिया स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उन एरिया पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो बेसिकली फोकस ये कि कैसे ढांचागत विकास हम लोग कर सकते हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विलेंस कर सकते हैं और हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू काम कर सकते हैं ताकि हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो सब तक पहुंचाई जा सके। तो बेसिक यहां पर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन, अब आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में, ये प्रीलिम्स कुछ फैक्ट हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, यहां पर आप लोग देखते हैं ये बेसिकली प्रीलिम्स वाला ही पोर्शन था यहां पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब कुछ और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एलएसी के बारे में, तो चाइना के द्वारा भी बोला गया कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में या फिर दूसरे रीजन में जहां पर हमारे डिस्प्यूट है वहां पर आर्मी भेजेंगे, तो डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलएसी मूव इंडिया के द्वारा बोला गया चाइना को। तो इसके चलते कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, तो लो है ऑलरेडी यहां पर जो कि ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है उनको यूज करो, चाइना एक नया लो लेकर आ रहा है जो बोला है कि 1 जनवरी 2022 से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एलओसी वाले रीजन में, डोकलाम वाले रीजन में कई सारे ऐसे एरिया जहां चाइना की झड़प रहती है, तो वहां पर और आर्मी देखने को मिलेगी और झड़प आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में देखने को आप लोगों को मिल सकती है। नेक्स्ट यहां पर बात करें, सेंटर जो है वो बेसिकली चाहता है कि बर्थ और जो डेथ और जो डेटाबेस है उसका तैयार किया जाए, यानी कि कितने पैदा हुए इंसान कितने मरे हैं उनका डेटाबेस तैयार होना चाहिए। तो सेंटर ने यहां पर प्रपोज किया है एक तरीके 69th अमेंडमेंट, ठीक है, तो यहां पर ताकि एक तरीके से यहां पर सेंट्रल लेवल पर चीजों को मेंटेन किया जा सके नेशनल लेवल पर, तो उसके बारे में यहां पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर बात करें, अगर रजिस्ट्रार जो यहां पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ जो एक्ट है यहां पर, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखिएगा 1969 का है,
किसका बैड बर्थ हुआ है, किसकी डेथ हुई है, उसके बारे में रजिस्ट्रेशन बेसिकली करेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो चीफ रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर यूनिफाइड डेटा, ठीक है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो नेशनल लेवल पर इस डेटा को मेंटेन रखेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा कुछ डिटेल में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। अगर ये डेटा यहाँ पर इकट्ठा करना है, पहले तो ये यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, तो किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, किसी को यहाँ पर इलेक्ट्रोल जो रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, तो उसमें इसको यूज किया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपडेट करना चाहती है यहाँ पर जो बेसिकली रजिस्टर प्रिपेयर जो किया जा रहा है यहाँ पर एक तरीके से बात करें जिसको आप लोग पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बेसिकली बात करें यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोल से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। आधार कार्ड के डेटा में अगर कोई चेंज करना है तो यहाँ पर आधार कार्ड एक्ट 2016 चेंज करना पड़ेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी, अगर आप लोगों को बेसिकली जो राशन कार्ड चेंज करना है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पासपोर्ट चेंज करना है तो पासपोर्ट एक्ट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करना है तो व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 चेंज करना पड़ेगा। और अगर कोई डेटा बेस आप लोगों को यहां पर चेंज करना है नेशनल लेवल पर तो आप लोगों को आरबीडी एक्ट 1969 को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोगों को चलकर कल को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को ढंग से अपडेट करना है तो काफी कुछ आप लोगों को चेंज लेकर आना पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल के अंदर चेंज किया जा रहा है अभी रिसेंटली, यहां पर नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात की गई, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस ऐसे ही मजा कर लेंगे, आराम से चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर of the birth and the जो death act है जिसको RBD बोला गया, ठीक है। तो ये act है 1969 का, अभी अगर नया होगा तो यहाँ पर 2021 का ये बनेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में मुद्दा, याद रखना मैंने बोला है चीफ रजिस्ट्रार स्टेट के अंदर काम करेगा, नेशनल लेवल पर कौन काम करेगा, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंटर के साथ में, डेटा जो अपडेट किया जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, पूरा आर्टिकल डिटेल में जान लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिकली यहां पर जो हमारी कंट्री में राजनाथ सिंह साहब है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो यूएन क्लोज होता है उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। यूएन क्लोज क्या होता है, ये इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों के सामने यहां पर बोला है यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉज यहां पर लिखा हुआ भी यहां पर 1982 में इसको बेसिकली लाया गया। तो यहां पर कैसे सी के लेवल पर मेंटेन करना है चीजों को, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर डिवाइड करता है बेसिकली, जैसे कि ये नेशनल स्पेस हो गया और यहां पर ये इंटरनेशनल एयर स्पेस हो गया। तो नेशनल में क्या क्या आता है, पहले तो इंटरनल वॉटर आता है यहां पर, फिर यहां पर 12 न्यूटिकल माइल टेरिटोरियल वॉटर आता है, तो ये नेशनल लेवल का स्पेस हो गया। फिर यहां पर अगर बात करें कंटिगस वाटर आता है 12 न्यूटिकल माइल्स का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है यहां पर फिर आगे, ठीक है, और ये हाई सीज हो जाता है, इसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी आती है और सी एरिया भी आता है। तो इस तरीके से ये आप लोग को डिवाइडेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है कि ये जो है हम लोग इसको बेसिकली एक तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं और इसी को फॉलो करते हैं, तो हम लोग इसी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोलेंगे। इसी के साथ में आगे चलते हैं, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आप लोगों को बताया था। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो किस रिवर पर है, कौन सी रिवर है जिसके ऊपर बनाया गया। तो अभी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर कि 137 जो बोला गया है फिट तक पानी रखना है, तो वहीं तक ही रखना है इसको, 139 या फिर उससे ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम 139 आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते चाहता था जो तमिलनाडु 142 फिट पानी हो जाए इसके अंदर में, ठीक है, उसकी वजह से केरला दिक्कत में आ जाता था। तो यहां पर आप लोगों को बताना कौन सी रिवर के ऊपर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा और कौन से राज्य के पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये मैंने डिस्कस किया था। यहां पर इंडिया जो है वो वैक्सीन लोन लेना चाहता है एशियन डेवलपमेंट और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं बेसिकली जो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। कुछ बातें बता देता हूं आप लोगों को, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यहां पर ये बेसिकली 1966 में बनाया गया, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कौन कौन से मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर 68 मेंबर हैं आज की डेट में इसके अंदर में, और इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो 49 के करीब आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, जो अगर बात करें विद इन एशिया पैसिफिक, ठीक है, और 9 आप लोगों को आउटसाइड, यानी कि ऐसा नहीं कि एशिया के ही मेंबर है, आउटसाइड भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसलिए यहां पर एशिया एंड पैसिफिक में डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ना कि एशिया में। 31 दिसंबर 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बोला गया कि 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके, अगर इसके हिसाब से आप लोग डेटा के हिसाब से बात करें। सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कौन है यहां पर, यह है बेसिकली जापान, ठीक है।
दूसरे नंबर पर यूएसए, ठीक है, फिर है चाइना, फिर है इंडिया और फिर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पांच शेयर होल्डर हैं इसके अंदर जो याद रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन यहां पर शेयर होल्डर हैं आईएमएफ के अंदर, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग बताइए, क्वेश्चन बन जाता है। और मनीला फिलीपीन में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरा यहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली यहां पर एक तरीके से एक एग्रीमेंट के थ्रू 2015 में इसको बनाया गया, ठीक है। 57 यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर आज के डेट में देखने को मिलेंगे। 102 कंट्री आज के डेट में इसका पार्ट बन चुके हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग में आप लोगों को इसका नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। स्कूल ओपन कर दिए गए, कौन कौन चाहता था स्कूल ओपन कर दिए, तो ये यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं। एजुकेशन जो है वो बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। नॉर्मली सॉरी एजुकेशन जो है वो कौन कौन लिस्ट के अंदर में आता है, तो अलग अलग एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रल स्टेट अपने हिसाब से काम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सातवें शेड्यूल के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ भी सकता हूँ। बेसिकली आप लोग क्या लगता है, जैसे अभी यहाँ पर जो दुर्गा पूजा थी, अभी यहाँ पर छठ पूजा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अरेंजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी यहाँ पर और छठ पूजा में भी यहाँ पर पानी के अंदर रिचुअल्स होती हैं, पर लेकिन इसकी वजह से मानते हैं कई बार काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो उसको कैसे सोल्यूशन को आप लोग पोल्यूशन का सोल्यूशन करना है, तो ये दिक्कत रहती है। क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 21 से ही निकाल कर लाया गया, क्योंकि राइट टू लाइफ जो होगी वो पोल्यूशन फ्री बेसिकली एक लाइफ होनी चाहिए, वरना इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं AY4.2, ये यहाँ पर एक अभी आप लोग को नया वर्जन देखने को मिलेगा। ये बोला गया INSACOG, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली, इसका नाम याद रखिएगा, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, ठीक है। तो यहां पर ये है जिसके द्वारा अभी आइडेंटिफाई किया गया। इसको बोला जा रहा है कि यूके में काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, अब इंडिया में भी इसकी एंट्री देखने को मिल रही है। ईरान ने तालिबान को बोला है कि भाई साहब सुधर जाओ, थोड़ा सा प्रॉपर वे में एक कोडल अप्रोच लेकर चलो चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये बातें तो अच्छा होगा अगर ढंग से चीजें चलेंगी, वरना दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें यहां पर एंटी कू जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सुडान के अंदर में, आप लोगों को पता है, तो वहां पर अभी मैंने बताया था आप लोग आर्टिकल डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान सुडान के अंदर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। सुडान से जो साउथ सुडान को अलग कब किया गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब जो मैंने क्वेश्चन दिया उनके आंसर आप लोगों को बता देता हूं एक बार। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाती है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड इसका आंसर हो गया यहाँ पर। और बाकी स्टेचू ऑफ पीस के बारे में याद रखिएगा, स्टेचू ऑफ जो नॉर्मल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड स्टेचू ऑफ यूनिटी वो आप लोगों को कहां पर गुजरात के अंदर देखने को मिलती है, पर स्टेचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। ये किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कल, इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से चीजों को। बाकी कल मैंने क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, तो 27th ऑफ द हिंदू का डिस्कशन मैंने आंसर पोस्ट कर दिए थे, तो यहाँ पर सारे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज के बारे में पूछा 2019 में, तो इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था एबे अहमद, तो उनको मिला था, ठीक है। यूके के द्वारा 2050 तक का नेट जीरो एमिशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ये नेट जीरो गोल लेकर चल रही है कई सारी कंट्री, ठीक है। इसी के साथ में झारखंड को 2000 में, छत्तीसगढ़ को 2000 में और यहाँ पर उत्तराखंड को 2000 में बेसिकली अलग किया गया था अलग अलग राज्य से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और यहाँ पर मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये था बेसिकली तेलंगाना 2014 में सेपरेट किया गया था। जूनोटिक बीमारी कई सारी आप लोगों को देखने को मिलती है जिनके बारे में बताया था, ठीक है। हेल्थ जो होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, और फाइनेंस कमीशन जो है वो एनके सिंह थे यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो कि बोल रहे थे कि इसको कॉन्टेंट लिस्ट में लेकर आओ। एनवायरमेंट डे है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इको सिस्टम रिस्टोरेशन की बात की और पेगासस वायरस एनएसओ ग्रुप। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से दिए गए थे। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देते हो, ठीक है। तो बाकी लेक्चर कैसा लगा फीडबैक देकर जरूर जाएगा, अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग फीडबैक देते हैं। लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को बता सकते हैं, 1 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा। तो 4 से 5 घंटे की मेहनत को आप लोग 1 सेकंड में बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना जरूर किया करो और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।